हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गेहूं के आटे का एकदम नया और बहुत ही ज़्यादा चटपटा नाश्ता। इस नाश्ते को आप एक बार बनाकर खाएंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आप पिज़्ज़ा बर्गर खाना भी भूल जाएंगे। बहुत ही कम सामान में और बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो घंटी आती है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पर जब भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके और आप फटाफट से वीडियो को वॉच कर सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। तो आटा लगाने के लिए हम ले रहे हैं 2 कप जितना गेहूं का आटा। इसे हमने अच्छे से छान लिया है। अगर आप इसे गेहूं के आटे से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और नमक डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर आपको घी और तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, बस नमक और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और इसका हम एक सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे। तो आटा हमारा बहुत ही अच्छे से बनने लगा है। आप देख सकते हैं कि ये आटा हम थोड़ा सा सॉफ्ट लगाएंगे, जैसे हम नॉर्मल चपाती के लिए आटा लगाते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइट आटा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इस आटे को रेस्ट नहीं देना है। इसलिए हम इसे थोड़ा सा सॉफ्ट ही लगाएंगे। बस 5 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट देंगे, तब तक कि अपनी हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो देखिए, हमारा आटा अच्छे से नीट हो चुका है, तो अब इसे हम रेस्ट पर छोड़ देते हैं, तब तक कि अपनी हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड, अब अपने नाश्ते के लिए हम स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक पैन में डालेंगे 2 छोटे चम्मच के करीब तेल, और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज। तो प्याज को हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे, ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। तो जैसे ही हमारी प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और इसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई गाजर और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। तो जो भी सब्जियां आपको पसंद है वो सारी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सब्जियों को भी 1 से 2 मिनट के लिए हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। तो जैसे ही हमारी सब्जी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितना चिली फ्लेक्स। इसके साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, और यहाँ पर हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा ऑरिगेनो। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स करके हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। सब्जियों को आपको बहुत ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा क्रंच होना चाहिए, बस इतना ही भूनना है। तो देखिए, सब्जियां हमारी अच्छे से डन हो चुकी हैं। तो अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया, और इसे भी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब अपनी गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, ताकि हमारी जो सब्जियाँ हैं वो अच्छे से ठंडी हो जाएँ। तो सब्जियाँ हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे कद्दूकस के आलू। तो यहाँ पे मैंने 3 आलुओं को अच्छे से कद्दूकस कर लिया था। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीज़। तो यहाँ पर चीज़ को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप इसके बिना भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल चीज़ का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब अपनी स्टफिंग को हम साइड में रख लेते हैं और अपने आटे को चेक कर लेते हैं। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारा जो आटा है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके छोटे छोटे पेड़े निकालेंगे। तो बस एक साइज़ के आपको इस तरह से इसके मीडियम साइज़ के पेड़े निकालने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े पेड़े आपको नहीं निकालने हैं। तो इस तरह से अपनी सारी लोइयों को सबसे पहले हम अच्छे से चिकना कर लेंगे, ताकि इसे बेलने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो लोइयाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो अब अपनी एक लोई को हम ले लेंगे और इस पर हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, ताकि इसे बेलने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो लोई पर हमने अच्छे से सूखा आटा अप्लाई कर दिया है। उसके बाद हम इसे अच्छे से राउंड कर लेंगे, और इस तरह से हम हाथों से पहले इसे टैप कर लेंगे, और उसके बाद हम इसे बेलन से अच्छे से बेलेंगे। तो देख सकते हैं कि हमारा जो आटा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसी तरह का सॉफ्ट आटा आपको लगाना है। तो मीडियम साइज़ की आपको इसकी रोटी बेलनी है। तो देखिए, हमने इसे अच्छे से बेल लिया है। तो अब इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। तो इसी तरह से आपको इसे बेलना है, और उसके बाद एक बोल की हेल्प से आपको इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करने से हमारा जो नाश्ता है वो सेम साइज़ का बनेगा, और देखने में बहुत ही ज़्यादा लुक उसका प्यारा आएगा। तो देखिए, हमने सारी रोटी को इसी तरह से बेलना है और इसी तरह से कट कर लेना है। तो फ्रेंड, हमने अपने सारी रोटियों को अच्छे से बेल लिया है, और आप देख सकते हैं कि रोटी के नीचे हमने थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रेड किया, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो अब चलते हैं अपनी गैस की तरफ। तो गैस पर हम एक तवा यानी कि पैन रख देंगे, और इसके ऊपर हम अपनी रोटी को रखेंगे, और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सेकेंगे। बहुत ज़्यादा कुक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस हाफ कुक करना है आपको इस रोटी को। तो देखिए, इसी तरह से आपको दबाकर इसे अच्छे से सेकना है। तो बहुत ज़्यादा स्पॉट्स नहीं आने चाहिए आपकी रोटी में। तो इसी तरह से आपको सारी रोटी को अच्छे से सेक लेना है। तो रोटियों को अच्छे से सेकने के बाद अब हम एक पैन ले लेंगे, और इस पर हम थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे। तो तेल आपको ब्रश की हेल्प से लगाना है, बहुत ज़्यादा तेल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हल्का सा तेल लगाने के बाद हमने जो हाफ़ फ्राई रोटी की है उसे हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे।
और रोटी को हम एक साइड से अच्छे से कुक होने देंगे। उसके बाद हम इस पर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप नॉर्मल टमाटो केचप या फिर टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं। तो रोटी के चारों तरफ आपको इस सॉस को अच्छे से फैलाना है। उसके बाद हमने जो अपनी स्टफिंग तैयार की थी उसे हम इसके ऊपर रखेंगे। तो बहुत ज़्यादा स्टफिंग रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस 2 से 3 चम्मच के करीब स्टफिंग आपको रखना है और इसे आपको इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो बहुत ही कम चीज़ों से यह नाश्ता बनकर तैयार होता है और अगर आपके बच्चे एक बार इसे खा लेंगे तो बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसी तरह का नाश्ता उन्हें बार बार बनाकर खिलाएं। तो यहाँ पर इसी तरह से हम अपनी दूसरी रोटी को भी अच्छे से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद इसे हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये एक साइड से अच्छे से क्रिस्प हो जाए। जब ये एक साइड से अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा तभी हम इसे पलटेंगे। तो इसी तरह से आपको इसे अलटते पलटते 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। जब आपको लगे कि आपका नाश्ता बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गया तभी आपको इसे तेल से बाहर निकालना है। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है। तो देखिए कितना प्यारा लुक आया है हमारे नाश्ते का। तो इसी तरह से अपने सारे नाश्ते को हम बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड फटाफट से अपने सारे नाश्ते को हम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स बनकर तैयार है हमारे गेहूं के आटे का ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा चटपटा नाश्ता और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा चीज़ी और टेस्टी होता है। जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगे तब आप इसे फटाफट से बनाकर खा सकते हैं। आप चाहें तो इसकी रोटियों को आप कुक करके फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो देखिए ऊपर से कितना ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से उतना ही सॉफ्ट और चीज़ी है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और हमें कॉमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई मजेदार रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।